Welcome to you all, one and all, on our YouTube channel, VS English Academy. Myself, Mr. Vinod sir. And in this video, we are going to learn, we are going to talk, we are going to discuss, we are going to find out, and again, we are going to solve out our queries related to the topic narration. So, आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं narration, that means direct speech, indirect speech. Okay? इसके पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट्स करो और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखना ना भूलना कि आपको अगला वीडियो ग्रामर के किस टॉपिक पर चाहिए. उसके अनुसार जो है हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वो वीडियो जो है आपकी सेवा में पेश करेंगे, आपको प्रोवाइड किया जाएगा. उसके साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करना ना भूलो. और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी हम अपने YouTube चैनल पर नए टॉपिक के साथ वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो उस वीडियो को आप देख नहीं सकोगे, या फिर अपलोड हो गया है इसकी जानकारी आपको नहीं होगी, जिसके कारण आप वेटिंग पर रहोगे, इंतजार करोगे कि कब कब सर जो है वो पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करेंगे और हम उनको देखेंगे और अपने क्यूरीज सॉल्व आउट करेंगे या फिर अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे. इसके लिए ऐसा नुकसान नहीं होना चाहिए. आपको अगर लगता है तो नोटिफिकेशन ऑन करके रख दो, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलना. तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना ना भूलना. सो लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, नाइन ईयर एंड ईयर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक, डिस्कस एंड लर्न. क्या नरेशन इस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं. नरेशन, जिसको ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. तो डायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच मतलब क्या होता है, उसकी डिटेल में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में. सो नरेशन, जिसको ही हम कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. स्पीच मतलब क्या होता है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी हम बातचीत करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको कहा जाता है स्पीच, बोलना. जो भी हम कुछ बोलते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेशन करते हैं. अब कम्युनिकेशन करने के अलग अलग वेज होते हैं. हम ओरली वर्बली कम्युनिकेशन करते हैं, कभी कभार हम रिटर्न फॉर्म में भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि लेटर राइटिंग करना या फिर किसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वगैरह कुछ राइट करना, तो वो रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेशन हो गया. और जो मैं टॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है, वर्बली इस प्रकार से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, दैट मीन्स स्पीकिंग करते हैं. तो जो भी कुछ बोला जाता है दैट इज अवर स्पीच. ठीक, तो जो मैं आपको बता रहा हूं, मतलब एक इंसान दूसरे को जो भी कुछ बताता है या फिर दोनों के बीच में जो भी कुछ वार्तालाप होता है, जो भी कुछ बातचीत होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान है और एक दूसरा इंसान है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है दैट इज अवर डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, दोनों के बीच में आमने सामने वो जो खड़े हैं एक दूसरे के साथ किसी टॉपिक को लेकर बातचीत कर रहे, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट स्पीच. और ये जो तीसरा इंसान है उन दोनों की बातें सुनता है और अपने चौथे दोस्त को जाकर बताता है. ये दोनों दोस्त बातचीत कर रहे हैं, बगल में तीसरा दोस्त खड़ा है, वो उनकी बात से सुनता है, ये क्या कहा, किसके बारे में कहा, किस टॉपिक को लेकर उनके बीच में कम्युनिकेशन या फिर वार्तालाप हुआ, वो सारी बातें ये सुनता है और ये जाकर अपने किसी और दोस्त को बता देता है, तो उसको कहते हैं. इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट स्पीच, और इन दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, तो इस प्रकार से डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच होता है, इसी को हम कहते हैं नरेशन. नरेशन करना मतलब ही एक किसी चीज को नैरेट करना, एक्सप्लेन करना, या फिर किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में अपने विचार जो है दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करना या फिर नैरेट करना, दैट मीन्स नरेशन. तो डायरेक्टली जब बोला जाता है दैट इज द डायरेक्ट स्पीच, और वो बोले हुए शब्द सुनकर किसी और को जाकर बताना दैट इज अवर इनडायरेक्ट स्पीच. इस टॉपिक को इन शॉर्ट कहा जाता है चुगली करना. चुगली करना मतलब दो लोग बात कर रहे, ये दोन बोलता है, हाँ तीसरा जे है ऐकून राहिलेला आहे, ते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आहे, ते झाडाच्या खाली बसून जे आय लव यू म्हणत आहे, हा जे आहे बंदर, हा झाडाच्या पाठी मागून असा दुरून जे आहे वाकडा असेल ती काढून राहिलेला आहे, पण कान त्याचे त्या दोघांच्या गोष्टीकडे आहे, त्या दोघांच्या ज्या गोष्टी आहेत तो ऐकतो आणि जाऊन याच्या बापाला सांगतो, एवढा हराम चोट्टा माणूस आहे. या दोघांच्या गोष्टी ऐकतो तिच्या बापाला जाऊन सांगतो किंवा त्याच्या बापाला जाऊन सांगतो की तुमचा पोरगा पोरगी जी आहे अशा प्रकारची जी आहे
बोलत होते, लव यू म्हणत होते, काहीतरी पडून जाण्याच्या गोष्टी करत होते, लग्न करण्याच्या गोष्टी करत होते वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के बीच की बातें सुनकर किसी और को जाकर बताना मतलब चुगली करना होता है, और उसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो दोस्तों इस टॉपिक में इस टॉपिक के अंदर में, इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं ये चुगली करने वाले टॉपिक के बारे में, जिसको कहा गया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच नरेशन। तो देखते हैं कि नरेशन में मतलब कोई भी एक सेंटेंस जो है जो डायरेक्ट स्पीच में होता है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, या फिर टू चेंज given in direct speech into direct speech, what kind of changes are required there to be made or necessary to be done there or to be made there in the sentence। सबसे पहले वो changes की हम बात करेंगे कि क्या प्रकार का बदलाव जरूरी है, तब जाकर हमारा कोई भी दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बदल जाएगा या फिर इनडायरेक्ट का डायरेक्ट में बदल जाएगा। तो क्या जरूरी आवश्यक चीजें है, क्या करना होगा जिसके कारण दिया हुआ सेंटेंस हम इस प्रकार से बदल सकते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। चलो तो सबसे पहले बात करेंगे हम टेंसेस की कि इस टॉपिक में किस प्रकार से टेंसेस चेंज होते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेंसेस है 12, ठीक है 12। तो देखो वन बाय वन हम देखते हैं कि किस प्रकार से टेंस बदला जाता है दूसरे टेंस में। वॉइस में जो है ना, वॉइस में टेंस बदलता है, ठीक है, और यहाँ पे भी टेंस बदलता है, लेकिन वॉइस के कंपैरिजन में यहाँ पे जो टेंसेस में बदलाव होता है वो कुछ डिफरेंट है। जनरली स्टूडेंट्स मिक्सअप कर देते हैं, वॉइस में जो टेंस चेंज होते हैं वो नरेशन में अप्लाई करते हैं, और नरेशन के जो टेंसेस चेंज होते हैं वो उसको वॉइस में अप्लाई करते हैं, जिसके कारण पूरा दही बाजार हो जाता है और पूरा का पूरा आंसर जो है ना गलत हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करना है, फोकस करना है कि हम कौन से टॉपिक के साथ डील कर रहे हैं, कि वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द वॉइस और द नरेशंस, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज फोकस करना है, इस चीज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से टेंसेस में बदलाव किया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, सबसे पहला होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट मतलब दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का, मैं डायरेक्ट स्पीच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिया हुआ सेंटेंस अगर डायरेक्ट स्पीच का है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उस दिए हुए सेंटेंस का टेंस बदलना जरूरी है। जब तक उसका टेंस नहीं बदलेंगे, सॉरी एक्सट्रीमली टू से यू दैट मीन्स वी आर अनेबल टू चेंज दैट गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सो इट इज द फर्स्ट स्टेप to change the tense of given sentence which is in direct speech, to change it into indirect speech। तो simple present का अगर tense है, या फिर simple present tense का अगर दिया हुआ direct speech का sentence है, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा past tense में, that means simple past में उसको बदलना पड़ेगा, simple past, ठीक है। simple present का है तो उसको simple past में बदलना जरूरी है, और जब बदलेंगे तभी आंसर सही आएगा। सेकंड होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर सेंटेंस है तो उसका हमें टेंस बदलना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस, वो बदल जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में। थर्ड आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो बदल जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में बदलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेकंड आता है, नेक्स्ट होगा हमारा फिफ्थ नंबर का सिंपल पास्ट, ठीक है, सिंपल पास्ट। और यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, देखो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है, अगर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस का टेंस सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए या फिर बदलना है तो उसका टेंस बदलना है और बदलना जरूरी होता है, हम उसको बदलेंगे सिंपल पास्ट में बदलेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच का, उसको अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो वो सिंपल प्रेजेंट में नहीं बदलेगा, वो किसी और में बदलेगा। सिंपल प्रेजेंट का
डायरेक्ट स्पीच का टेंस सॉरी डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो सिंपल पास्ट में बदलना पड़ेगा, लेकिन अगर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस सिंपल पास्ट का है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में नहीं बदलेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच का सिंपल पास्ट का सेंटेंस है उसको डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो हम बदलेंगे सिंपल प्रेजेंट में। ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, सिंपल पास्ट का अगर सेंटेंस है तो उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, वो बदल जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो बदल जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदलना पड़ेगा। नंबर 7 आता है हमारा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस अगर है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना वैसे ही रहेगा, मतलब पास्ट परफेक्ट ही रहता है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, पास्ट परफेक्ट टेंस ही रहेगा। नंबर 7 था, नंबर 8 आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, इसका जो टेंस है वो कौन सा रहेगा, वो यही रहेगा सेम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, वो बिल्कुल ही बदलेगा नहीं। देखो पास्ट परफेक्ट अगर है, दिया हुआ सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। दिया हुआ सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच अगर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसको हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो उसका टेंस वही रहेगा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और ये है इनडायरेक्ट स्पीच, इज इट क्लियर? और इधर वाले इनको मतलब डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रहेगा, पास्ट परफेक्ट है तो विल रिमेन सेम, तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अगर सेंटेंस है तो वो भी सेम रहेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही। चलो हम बात करते हैं अब और क्या चेंजेस होते हैं। देखो बात यहाँ पे करेंगे प्लेस कैसे बदले जाते हैं, प्लेस है ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि टाइम में भी कुछ बदलाव होता है क्या, प्लेस में भी बदलाव करना पड़ता है, टाइम से रिलेटेड जो भी वर्ड है उसमें भी बदलाव करना पड़ता है, और उसके साथ साथ नियरनेस, नियरनेस टेंस में सब बदलाव करना है, टेंस तो बदलेंगे बदलेंगे, लेकिन साथ में ये भी कुछ बेसिक चीज है जो बदलना आवश्यक होता है। इट इज नेसेसरी एंड कंपलसरी टू चेंज एनी गिवन सेंटेंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच एंड वाइस वर्सा। तो देखते हैं क्या बदलाव करने पड़ते हैं, प्लेस से रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड और नियरनेस से रिलेटेड। तो देखो अगर सेंटेंस में दिस आता है, ठीक है, सेंटेंस में अगर दिस आता है डायरेक्ट स्पीच में, ये बात करेंगे हम डायरेक्ट स्पीच की, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, और इधर लिखता हूं मैं इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट, ठीक है, ये इधर से इधर चला जाएगा। तो देखो डायरेक्ट स्पीच में अगर दिस आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसका चेंज होता है डैट में, मतलब वो चेंज करना पड़ेगा डैट में, और अगर इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हमें डायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो इनडायरेक्ट स्पीच में दैट है तो डायरेक्ट स्पीच में उसको बदलेंगे तो दिस हो जाएगा, दैट दिस ऐसा बदले, ठीक है। उसके बाद सामने चलते हैं, दिस अगर है, दिस टी एच ई एस ई दिस है तो वो दोज हो जाएगा, दिस असल कर दोज होना, तो हियर अगर है हियर तो हो जाएगा वो देयर, हियर असल तर देयर, दिस असेल तर दोज, दिस असेल तर दॅट, अशा प्रकारे बदलावा लागेल, यांच्याकडे फोकस ठेवायचं, कारण हे जे छोटे छोटे किडे माकोडे आहेत हे फार जिंदगीचा सत्यानाश करून घेतात, त्याच्यामुळे यांच्यावर जास्त डोळा ठेवायचा, यांच्यावर लाईन मारत राहायचं रेग्युलर, ठीक आहे।
आते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में वो बदल जाएंगे देन। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा उसके जगह पर? देन। नाउ है या फिर जस्ट है डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में बदलना है तो फिर, मतलब चुगली करना है तो देन, ठीक है, और चुगली नहीं करना है तो फिर नाउ और जस्ट, ऐसे वर्ड लिखने पड़ेंगे। सामने चलते हैं एगो, ठीक है, एजीओ, एगो आता है तो लिखना पड़ेगा बिफोर, हम लिखेंगे बिफोर। टुडे आता है, टुडे, ठीक है, तो टुडे अगर आता है तो हमें लिखना पड़ता है दैट डे। टुनाइट है, ओके, टुनाइट है तो दैट नाइट, टुनाइट। Tonight, that night. Next, कम अगर है, कम तो कम हो जाएगा go, thus, 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 ठीक है, तो so, thus है तो so, ठीक है। सामने चलते hence, hence तो आता है dense, hence है तो डेंस। हाँ, सामने लिखते हैं, सामने बढ़ते हैं, यहाँ पे लाइन बना लेते हैं ऐसे, टुमारो है, टुमारो क्या आता है अगर, ये देखो इधर में इतने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं, उधर का हम बात करेंगे टुमारो। टुमारो मतलब कल, तो फिर क्या है द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे, या फिर द फॉलोइंग डे भी हम कह सकते हैं, द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे, ठीक है, द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग डे, ठीक है। अगर एस्टरडे आता है मतलब गया हुआ समय, गया हुआ दिन, एस्टरडे, एस्टरडे आता है तो लिखना पड़ता है इनडायरेक्ट स्पीच द प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर, डे बिफोर, डे बिफोर, यस्टरडे तो द प्रीवियस डे या फिर द डे बिफोर, दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। लास्ट नाइट आता है, लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आता है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में अगर वर्ड आता है लास्ट नाइट, ठीक है, तो लास्ट नाइट के जगह पर हम लेंगे द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर, द नाइट बिफोर, ठीक है, लास्ट नाइट, द नाइट बिफोर, या फिर द प्रीवियस नाइट भी लिख सकते, द नाइट बिफोर या फिर द प्रीवियस नाइट, जो चली गई रात, कालचा दिवस, कालची रात्र, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, ठीक है। नेक्स्ट वीक अगर आता है, नेक्स्ट वीक कि भाई पुढच्या हप्त्यामध्ये मी मामाच्या गावाला जाणार, पुढच्या हप्त्यामध्ये मी सासूरवाडीला जाणार, पुढच्या हप्त्यात, नेक्स्ट वीक, ठीक है, द फॉलोइंग वीक, ठीक है, द फॉलोइंग वीक, ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट मंथ आता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो लिखेंगे हम द फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग मंथ, ठीक। तो कुछ इस प्रकार के चेंजेस जो कि बहुत ही नेसेसरी है, जो कि बहुत ही नेसेसरी है, ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं। अगर आता है सेंटेंस में एट, वाई ई टी, ठीक है, नजर नहीं आ रहा है, मैं अच्छा तरीके से लिख के देता हूं, वाई ई टी। अगर सेंटेंस में एट आता है, क्या आता है, एट आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वो टिल या फिर देन, टिल या फिर देन। देखो टुमारो द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, द डे बिफोर, ठीक है, सॉरी द डे बिफोर यहां पे लिखा हुआ है, सॉरी दिखा नहीं था, लास्ट नाइट है तो नाइट बिफोर है, नेक्स्ट वीक है तो फॉलोइंग वीक,
नेक्स्ट मंथ है द फॉलोइंग मंथ, एट है तो टील या फिर देन, और इधर में भी देखो इस प्रकार के कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। कम है तो गो लिखना पड़ेगा, और इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में बदलना है, जहां पे इनडायरेक्ट में गो आया है तो फिर वो हो जाएगा कम, ठीक है। हेंस अगर है, हेंस ये इधर हेंस है तो देंस, ठीक है। एग्जाम्पल में लेंगे इसका भी यूज करेंगे कि देखेंगे कि हेंस कहां पे लगता है, देंस कैसे बदल रहा है, टेंशन मत लो। टी एच ई N-C-E, ठीक है, hence होता है dense, sorry, extremely वो ठीक तरीके से नहीं समझ में आ रहा था, राइटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, लेकिन राइट नाउ आई हैव करेक्टेड इट। प्रोनाउन में हमें बदलना बदल करना पड़ता है, प्रोनाउन को भी हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है, प्रोनाउन को भी हमें चेंज करना पड़ता है। और इस प्रकार के देखो नरेशन कोई आसान सी चीज नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को पसीना छोड़ने वाला ये टॉपिक होता है, और हर एक एग्जाम में, छोटी एग्जाम बड़ी एग्जाम किसी भी प्रकार के दुनिया भर की कोई भी एग्जाम आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, लेकिन हर एक एग्जाम में जो है ना, हर एक एग्जाम में एवरी एग्जाम गारंटेड नरेशन से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। सिंपल से होते हैं लेकिन इतना घुमाने की कोशिश करते हैं, इतना घुमा देते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना उसका आंसर नहीं आता है, क्योंकि मिलते जुलते ही ऑप्शंस होते हैं, आंसर दिए रहते हैं, फिक्स रहना है, अड़े रहना है, और ये जो डाउट्स है इस वीडियो के अंदर से पूरे के पूरे जो है ना क्लियर किए जाएंगे और क्लियर है। अच्छा ठीक है, त्याले ठेवू का त्याले ठेवू, याले मांडू का त्याले मांडू, गणपती होय का दुर्गा देवी हो काही टेन्शन घ्यायचं ना, आता इथे क्लिअर करायचं आहे की कोणत्या तारखेला गणपती, कोणत्या महिन्यामध्ये दुर्गा देवी येते, बघा आता कोणत्या महिन्यामध्ये रावण जाणार ते पण बघूया। सो हाऊ वी कॅन चेंज द प्रोनाउन, ठीक है, किस प्रकार से प्रोनाउन बदला जाता है, सो बात करेंगे यहाँ पे चेंज इन द प्रोनाउन, ठीक है, प्रोनाउन ठीक है, डायरेक्ट में क्या आता है, इनडायरेक्ट में क्या आता है, डायरेक्ट में ये आएगा, क्या आएगा, ये आएगा, और इनडायरेक्ट में ये कुछ होगा, ठीक है, डायरेक्ट में ये और इनडायरेक्ट में ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट इकड़े अंडरलाइन मारूंगी, आए अगर आता है, ठीक है, आए आता है तो उसकी जगह पर ही आए अगर है तो इनडायरेक्ट स्पीच में ही या फिर शी, दोनों में से एक लेना है। आए लड़की के लिए है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में शी लेंगे, और लड़के के लिए आए आया है तो फिर इनडायरेक्ट स्पीच में हम करेंगे यस ही, ठीक है। सामने चलते हैं यू, ठीक है, सेंटेंस में अगर यू आता है डायरेक्ट स्पीच में तो फिर की जगह पर ही शी, ठीक है, यू के जगह पर हम लेंगे ही She या फिर दे। अब दे क्यों, ठीक है, क्योंकि यू जो है सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, तो यू जो है ना एक के लिए भी आता है, अनेकों के लिए भी यूज किया जाता है, इसलिए यू के जगह पर इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा ही या फिर शी, लड़की की बात है तो शी आएगा, लड़की की बात है तो ही आएगा, या फिर मोर देन वन के बारे में वी आर टॉकिंग इफ देयर तो फिर बदलेगा वो दे में। सामने चलते हैं, सामने चलते हैं, देखो सारे क्लियर हो जाएंगे डाउट्स, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर सेंटेंस में माई इस प्रकार का प्रोनाउन होता है तो यहाँ पे बदलेगा हीज या फिर हर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना पड़ेगा हीज या फिर हर। अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में अनारा आता है माई तो बदलेगा हीज या फिर हर में। यूवर अगर आता है, यूवर अगर आता है तो हीज, ठीक है, या फिर हर, सिंगुलर यूवर अगर आता है, ठीक है, यूवर तो इनडायरेक्ट स्पीच में हीज या फिर हर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच यूवर का। और अगर यूवर प्लूरल है, यूवर प्लूरल है तो फिर क्या बदलेगा वो उसको बदलना पड़ेगा देयर, टी एच ई आई आर, यूवर देयर और यूवर हीज या फिर हर, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में यू के लिए, फिर से यू प्लूरल के लिए, ठीक है, तो लिखना पड़ेगा हमें देम, यू ये है प्लूरल, ठीक है, और ये है सिंगुलर के लिए, ये है सिंगुलर, यू हिम हर सिंगुलर, और यहां पे यू प्लूरल देम, ठीक है। अगर वी आता है तो
बी, ठीक है, बी अगर है तो बदलना पड़ेगा दे, बी है तो दे, और है आर है तो देयर, आर है तो देयर, उसके बाद अस है तो देव, अस है तो देव। तो इस प्रकार से जो है ना कुछ लिटिल बिट चेंज जो है हमें प्रोनाउन में करने होते है, जिसके मदद से हम डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। और बात और कुछ बातें, जरूरी बातें जो इन शॉर्ट में मैं बता देता हूं, इन शॉर्ट में, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन बदलता है। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है कि यस, इसमें भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का है, टेंशन नहीं लेने का। जब हम एग्जांपल की बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो सारे के सारे डाउट जो है ना क्लियर हो जाएंगे, और इसी की कोशिश कर रहे हैं या फिर पढ़ा रहे हैं कि आपके सारे डाउट जो है ना विद रिलेटेड टू नरेशन जो है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना पूरी तरीके से क्लियर होने चाहिए। बस ध्यान देना है, और ध्यान देकर जो है ना क्या है, क्या करने की आवश्यकता है, क्या गोल मेल है इस नरेशन में, और क्या करना होता है, बस इतनी सी चीज के ऊपर फोकस करना है। सो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू होता है, ठीक है, और थर्ड पर्सन कौन होता है हमारा, थर्ड पर्सन ही शी इट, थर्ड पर्सन, तो ही शी इट वो बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और जो सेकंड पर्सन है वो रिमेन सेम, उसमें बदलाव नहीं होता है, नो चेंज, ठीक है, वो चेंज। तो इस प्रकार से जो है ना प्रोनाउन में बदलाव किया जाता है, करना होता है, तब जाके हमारा जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, या फिर उसको हम बदल सकते हैं। ये देखो, इधर साइड में ये प्रोनाउन है या फिर वो प्रोनाउन है जो डायरेक्ट स्पीच में आते हैं, और जब उस सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो वो जो प्रोनाउन है वो इस प्रकार के प्रोनाउन में बदले जाते हैं। जैसे कि आई है तो उसके जगह पर ही शी, दोनों में से एक आएगा, लड़की है तो शी आएगा, और लड़का है तो ही आएगा, यू है तो ही शी, या फिर दे, दे मतलब प्लूरल के लिए। ओके, अब देखो टेंसेस हमने बदल दिए, प्रोनाउन भी बदल दिए, और समय, प्लेस और नियरनेस से रिलेटेड जितने भी वर्ड है वो सब वर्ड को किस प्रकार से बदला जाता है, किसके बदले में किसको यूज किया जा सकता है, या फिर कौन किसको रिप्लेस करता है, वो भी हमने देख लिए है। और फिर से जो है ना यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि और क्या बारीक चीजें हैं जो टेंस से रिलेटेड है। वैसे तो टेंस हमने बदल दिया है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू रिवील द सीक्रेट रिलेटेड टू द नरेशन, वो क्या है, वो ये है कि अगर सेंटेंस में देखो सिंपल सॉरी फ्यूचर टेंस हो या फिर प्रेजेंट टेंस हो, मैं पास्ट टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस, ठीक है, इनका टेंस नहीं बदला जाता है जब उनको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। इसके पहले हमने क्या देखा है कि टेंस की आवश्यकता है, टेंस बदला जाना चाहिए या फिर बदलता है, लेकिन कब, जब पास्ट टेंस की बात होती है, ठीक है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कुछ ये वर्ड आते हैं, देखो से अगर आया है, क्या आया है, से अगर आया है या फिर विल से आया है, से या फिर विल से अगर आता है, से या फिर विल से, सेज या फिर विल सेज, ये अगर वर्ड आते हैं हमारे, ठीक है, से या फिर विल से, या फिर सेज विल सेज, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम इनके जगह पर, ठीक है, मतलब जब ऐसे सेंटेंसेस को, ऐसे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस, सेंटेंस कौन से, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस,
लेकिन उस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में क्या आया है, से आया है या फिर विल से आया है, सेज आया है या फिर विल सेज अगर आता है तो वाइल चेंजिंग और टू चेंज दैट सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच देयर इज नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। इसका मतलब उसका टेंस बदला नहीं जाएगा, नो चेंज देयर इज टू मेड और टू मेक, सॉरी नॉट मेड, टू मेक इन द टेंस ऑफ सेंटेंस नो चेंज, उसका टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। नो चेंज, ठीक है, बिल्कुल नहीं बदलेगा। सामने चलते हैं, ये दो बहुत ही जरूरी चीजें हैं। अगर और सामने चलते हैं, से टू, से टू आया है या फिर विल से टू आया है, विल से टू आया है तो फिर रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, रिपोर्टेड वर्ब क्या लेंगे हम, तो समय में हम लेंगे टेल, समय में लेंगे टेल, सेज टू आया है, विल सेज टू आया है, ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा टेल्स, तो हमें लेना होता है टेल्स, से विल से, सेज विल से होने वाले डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलते हैं तो सेंटेंस का टेंस बिल्कुल नहीं बदलेंगे। कब, जब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है या फिर वो फ्यूचर टेंस का है। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पे से आया है या फिर सेज आया है, विल से आता है तो वो फ्यूचर टेंस है, से आता है तो वो प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर, मैं पास्ट टेंस को यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम नॉट फोकसिंग एनीवन, आई एम नॉट गोइंग टू कंसीडर पास्ट टेंस हियर, ओके, डोंट फॉरगेट, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, से है प्रेजेंट टेंस है, सेज है प्रेजेंट टेंस ही है, विल से है फ्यूचर टेंस है, विल से यहाँ पे भी आया है, विल से, सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे भी फ्यूचर टेंस दिख रहा है, से टू प्रेजेंट टेंस है, विल से टू ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, और यहाँ पे सेज टू, ठीक है, यहाँ पे सेज टू आया हुआ है तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है, और विल सेज टू अगर आता है तो ये है हमारा फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर सेंटेंस में वर्ड आते हैं, इस प्रकार से वर्ड अगर आते हैं सेंटेंस में तो फिर हमें उनके जगह पर इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव करना होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट अगर सेंटेंस में डू आता है, ठीक है, सेंटेंस में अगर डू आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको बदलते समय या फिर जब बदलना है डू या फिर डस, ओके, डू डस दोनों की बात करेंगे, ठीक है। तो उसके जगह पर हम लेंगे डिड, सेंटेंस में डू आया है, सेंटेंस में डस आया है तो बदलेगा वो डिड में, ठीक है, ओके, तो डिड हम लेंगे। नेक्स्ट बात, अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में डिड आता है, सेंटेंस में अगर डिड आता है तो उसके जगह पर हम लेंगे हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। डायरेक्ट स्पीच में अगर डिड आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, डायरेक्ट स्पीच में डू या फिर डज आता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम लेंगे डिड, क्या लेना है, डिड लेना है, इस प्रकार से ये बदलाव हो जाएगा, ठीक। तो ये कुछ चेंजेस है, ये कुछ बारीक सुरीक चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद ही हमें कुछ अलग वीडियो अगर हम देखते हैं, आप देखते हैं, तो फिर ये सारी चीजें शायद ही वहां पे बताई जाती है या फिर हाईलाइट की जाती है, फोकस की जाती है, लेकिन अपने वीडियो में सब कुछ ये क्लियर है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बहुत 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 इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है। बाकी सारी दुनिया भर की चीजें पता है हमें, लेकिन ये चीजें जो है ना बिल्कुल नहीं बताई जाती है,
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ये चीजें पता नहीं होती है, और ना ही मोस्ट ऑफ टीचर जो है ना ये चीजें जो है ना, या फिर ये जो बदलाव है जो कि बहुत ही अर्जेंट है और नेसेसरी है, इसके इनको अगर इग्नोर करते हैं विदाउट कंसिडरिंग दिस चेंजेस, ठीक है, वी कांट चेंज एनी डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। देखो मैंने क्या कहा है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इनकी चार सब टाइप्स है। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट है, सॉरी सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी है। फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है और फ्यूचर परफेक्ट भी है। मैंने कहा है प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस में ये चारों आ जाएंगे और फ्यूचर टेंस में भी ये चारों आ जाएंगे, ठीक है। ओनली एंड ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात नहीं है और ना ही मैं सिंपल फ्यूचर की बात कर रहा हूं। इन चार में से किसी भी प्रकार का, किसी भी टेंस का सेंटेंस है, किसी भी प्रकार का, किसी भी टेंस का सेंटेंस है जिसमें इनमें से कोई वर्ड आया है, सेट हुआ आया है, विल सेट हुआ आया है, सेज आया है, विल सेज अगर आता है, सेज टू आता है, विल सेज टू आता है, तो फिर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में जब बदलेंगे तो उस समय में उसका टेंस नहीं बदलेंगे। जो टेंस में लिखा है ठीक उसी टेंस में हम उसको लिखेंगे, बस बदलाव किस में करना है, रिलेटेड टू द प्लेस, रिलेटेड टू द टाइम, रिलेटेड टू द नियरनेस एंड रिलेटेड टू द प्रोनाउन, इनमें बदलाव करना है, बाकी और किसी में बदलाव नहीं है। इसका मतलब टेंस में बदलाव नहीं है, टेंस के अलावा जो बाकी बदलाव करना जरूरी होता है बस उसमें बदलाव करना है। एग्जाम्पल के समय में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से इनका इम्प्लीमेंटेशन या फिर इन व्हाट वे ऑल दीज थिंग्स वर्क्स देयर इन द सेंटेंसेस टू चेंज इट इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट स्पीच। असर्टिव सेंटेंस की हम बात करेंगे, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है, क्या है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस अगर है दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस जो है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, लेकिन वो कौन सा है, असर्टिव सेंटेंस। इट कैन बी आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, समटाइम्स इट कैन बी वर्बल टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड समटाइम्स इट कैन बी ऑल्सो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जो कंजेक्शन है, जो कनेक्टिव है, जो कनेक्टर है, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, वो कौन सा लेना पड़ता है, ठीक है। तो सेंटेंस को अब कैसे जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखो असर्टिव सेंटेंस अगर है आपका तो कंजेक्शन होना चाहिए दैट। सेंटेंस अगर हमारा इंपेरेटिव है तो इंपेरेटिव सेंटेंस जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, टू, ओके, कंजेक्शन आएगा टू। सामने चलते हैं एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी अगर सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर है तो कंजेक्शन आएगा दैट, कंजेक्शन आ जाएगा दैट। अब इंट्रोगेटिव दो है, इंट्रोगेटिव दो है, अब कैसे होता है, एक डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि डायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है कैसा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू एच वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज यूर नेम, व्हाट इज यूर नेम, ये क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलना है, किसमें बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो कंजेक्शन कौन सा आएगा, वही सेम डब्ल्यू एच वर्ड आपका कंजेक्शन होगा, सेम डब्ल्यू एच वर्ड, सेम डब्ल्यू एच वर्ड जो है आपका एज अ कंजेक्शन यूज होना चाहिए, सेम डब्ल्यू एच वर्ड, सेम। जैसे के लिए व्हाट इज यूर नेम, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना,
किसमें बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? कंजक्शन की आवश्यकता है। तो असर्टिव सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है तो दैट कंजक्शन लेंगे, इंपेरेटिव है तो टू लेंगे, एक्सक्लेमेटरी है तो दैट फिर से लेंगे, और WH वर्ड वाला, ये जो व्हाट इज योर नेम इस प्रकार का सेंटेंस है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इनमें से कोई नहीं लेंगे, तो फिर क्या लेंगे? यही सेम वर्ड व्हाट इनडायरेक्ट स्पीच में आएगा, यूज करना होता है एज ए कंजक्शन, एज ए कनेक्टिव, एज ए कनेक्टर। दूसरा तीसरा नहीं लेना है, इफ यू दैट टू इनमें से भी नहीं लेना है। WH वर्ड जो है वही हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में आना चाहिए, ठीक है, वही आएगा। वर्बल टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, कैन आई हेल्प यू, विल यू मैरी मी, तू माया सोबत लग्न करशील काय, नाही करत हळूरंगे, तुले काय करायचं आहे, काही नाही, तुझ्या सोबत लग्न करायचं आहे, दॅट्स इट। सो वर्बल इंटरोगेटिव सेंटेन्स आहे, तो कंजक्शन कोण सा आएगा? कंजक्शन आएगा इफ, ठीक है, या फिर वेदर, इफ या फिर वेदर। अब देखो वेदर की स्पेलिंग देखो, WHETHER, WHETHER, दूसरी भी एक वेदर की स्पेलिंग है WEATHER, बारे WEATHER, WEA, WE असेल, WEE, ठीक है, WEA असेल तर ते वेदर म्हणजे हवामान, गर्मी आहे, ऊन आहे, पाऊस आहे, थंडी आहे, काय आहे, दुनिया भरे असं काळी कचरा, WEA वेदर, हवामान, क्लायमेटिक कंडिशन, टेम्परेचर, सो ऑन। और ये जो वेदर है ये कौन सा है? WHE, तो ये होता है कंजक्शन जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज करते हैं, और वो WEA वो हमारा क्लाइमेटिक कंडीशन वाला वेदर है। तो ये होता है कुछ बदलाव, मतलब ये है कंजक्शन हमारे जो कि हमें यूज करने होते हैं किसमें? हमारे टेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इससे रिलेटेड जो भी कुछ है नरेशन से रिलेटेड उसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, उनके जो लिंक्स है, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक्स वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे, थैंक यू।